एवरीवन नमस्ते वेलकम टू माय चैनल. सो एज यू ऑल नो दैट मैं अभी अपना घर सेटअप कर रही हूँ एंड स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड मेरा जो स्टूडियो है वो मुझे बनाना है, एक सेटअप बनाना है बैकग्राउंड. तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें शॉपिंग करी हैं और मैंने बहुत सही चीजें, इस बार मुझे बहुत सही चीजें मिली हैं. सो यस विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है वो मंगवाया है ये एक स्नैक सर्विंग, इसको टिपिकली बोलूं तो ठेला. ठीक है, इतना सही लग रहा है ये, मतलब लुक एट द क्वालिटी. ये इतने सही वुड में है, एकदम प्रॉपर वुड का मटेरियल है, यहाँ पर आयरन है एंड क्वालिटी इज अमेजिंग. मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी में आएगा. तो मेरे कुछ ऐसे क्वर्की से आइडियाज हैं, हो सकता है मैं इसको पेंट भी कर दूं और हो सकता है मैं इसको ऐसे ही यूज कर दूं. तो या तो मैं इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रखूंगी, या जो मैंने अपना स्नैक कॉर्नर बनाया है वहां रखूंगी, या फिर मैं इसको अपने किचन में रखूंगी, मूव इन करती रहूंगी इधर कभी उधर कभी उधर. सो दिस इज रियली रियली कूल एंड क्वर्की पीस. मतलब ये काफी, विक्की मुझसे पूछ रहा था कि इसका क्या यूज होने वाला है, मैंने कहा दिस इज जस्ट फॉर अ डेकोरेशन पर्पस एंड बहुत सही लग रहा था, मुझे बहुत सही लग रहा था. सो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट. जो सेकंड प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है. एक मैं ऑलरेडी इसका यूज करने लगी हूँ और जो दूसरा वाला है वो मैंने ओपन नहीं किया था. तो ये कैडी है, बाथरूम कैडी आप बोल सकते हैं या किचन सिंक कैडी, इन शॉर्ट यूटिलिटी कैडी है. जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसको आपको स्टिक करना होता है, मतलब आपको कोई नेल्स की या ड्रिलिंग की जरूरत नहीं है. अगर आपको इसको उस पे लगाना है टाइल्स पे तो ये बहुत ही अमेजिंगली तरीके से स्टिक हो जाती है. आई डोंट नो अबाउट द कॉन्क्रीट वॉल्स, आई विल नॉट रेकमेंड यू टू यू नो स्टिक इट ऑन द वॉल्स एंड ऑल. आपको ये वॉल्स वगैरह पे तो आई विल नॉट रेकमेंड यू टू स्टिक इट ऑन द वॉल, बट आप उसको वुडन पे एंड साथ ही साथ आप जो टाइल्स होता है, मार्बल होता है, उस पे आप आराम से इसको स्टिक कर सकते हैं. एंड मैं यहाँ पर एक पिक्चर डाल दूंगी, मैंने अपने बाथरूम में काफी हैवी चीजेस के ऊपर रखी हुई है इसमें एंड ये अभी तक एज इट इज इंटैक्ट है. तो मुझे ये काफी अच्छी क्वालिटी का लगा, बहुत अफोर्डेबल है. मैंने दो मंगवाए हैं, एक मैंने अपने एक बाथरूम के लिए मंगवाया और दूसरा भी मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको मैं किचन में यूज करूँ या बाथरूम नंबर टू में यूज करूँ. नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रोडक्ट, मैंने कुछ कुशन कवर्स मंगवाए हैं. ये मुझे पड़े हैं 250 या 260 रुपीज में. 260 रुपीज में 6 कुशन कवर, वो भी इस क्वालिटी के, एन अमेजिंग डील. ये तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं. तो ये कुछ अलग कलर्स मैंने मंगवाए हैं ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में. एक है ये, दूसरा इस प्रिंट में है, तीसरा इस प्रिंट में है, फोर्थ इस प्रिंट में है एंड जो फिफ्थ है वो इस प्रिंट में है. तो थोड़ी सी यू नो समरी वाइब्स के अकॉर्डिंग समर डेकोर में कुछ कुछ चेंजेस करूंगी, तो तब के लिए मैंने ये सोच के मंगवाया हुआ है. काफी सस्ता है, मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, बट जिस प्राइस रेंज में ये मिला है उस प्राइस रेंज में तो ये बहुत ही बॉम्ब डील है. उसके बाद जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है, आजकल आपको पता ही होगा कि काफी ज्यादा यू नो इस तरह से बास्केट्स चल रहे हैं, जूट बास्केट्स चल रहे हैं. इसमें आप प्लांट रख सकते हैं, अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं. तो मैं आपको पास से इसकी क्वालिटी दिखाती हूँ कि ये कितनी सही क्वालिटी में आया है. मैंने व्हाइट एंड जो लाइट वुड ऑफ कलर होता है ना उसके कॉम्बिनेशन में मंगवाया है. मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा छोटा आएगा, बट इनफैक्ट जो साइज का मैंने सोचा था ये उससे भी बड़ा आया है. 100% मेड इन इंडिया है एंड कॉटन प्रोडक्ट है. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. तो ये है मेरा फोर्थ प्रोडक्ट. इस बार जितने प्रोडक्ट मीशो से आए सब एकदम टॉप नॉच आए हैं. उसके बाद आते हैं हमारे फिफ्थ प्रोडक्ट पे, जो कि है ये पूफ, जो कि है ये पूफ, जो कि मैंने स्टार्ट करना यूज कर दिया अपने बैकग्राउंड के लिए. दिस इज अमेजिंग. ठीक है, इस पे आप बैठ भी सकते हो, इस पे आप इस तरह से बैकग्राउंड डेकोर रख सकते हो. पहले मैं ना ये लेने में बहुत अपने आप को रिफ्रेन कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार जब मैं ले लूंगी तो इसको वॉश कैसे करूंगी, इसको क्लीन कैसे करूंगी, इसको धोंगी कैसे. आपको याद होगा कि मैंने मीशो से ये मंगवाए थे, तो दीज आर यू नो वाटर प्रूफ, रफ एंड टफ एंड बहुत सही होते हैं ये. ठीक है, इनको क्लीन करना इज नॉट दैट टफ, आप इनको धो सकते हो बाथरूम में ले जा करके. लेकिन आई वॉज कंफ्यूज इसको लेने से पहले कि मैं इसको कैसे क्लीन, मेरे को क्लीनिंग का बहुत ज्यादा कीड़ा रहता है, मुझे गंदी नहीं होनी चाहिए चीजें, तो इसको कैसे क्लीन करूंगी, क्या करूंगी, ये सब करूंगी. फिर मैंने सोचा कि आई विल यूज इट इन माई बैकग्राउंड ओनली, बट जब से ये आया है तब से हम इसमें बैठ रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया है. पहले ये एकदम ऐसे गोल स्फेरिकल शेप में था, बट अब ये थोड़ा फ्लैट हो गया है ऊपर से. तो क्योंकि अब ये फ्लैट हो गया ना, तो उसके ऊपर आराम से इसे ट्रे रख दी है मैंने,
और इसको मैं आपको थोड़ा पास दिखाती हूँ मैं प्रूफ, एंड मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत सही थी। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं एंड दिस टाइम आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड जिस रेंज में ये प्रोडक्ट्स मिले हैं उससे भी मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ और बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। तो इन सबके जो प्रोडक्ट कोड्स है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी लिंक्स नहीं होती है, इनके कोड्स होते हैं, आप वो कोड कॉपी करके मीशो के ऐप पे डाल दीजिएगा, आपको सेम प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो। सो यस, अब आप सोच रहे होंगे जिनको नहीं पता है मीशो क्या है, मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसको क्लिक करिएगा। उस लिंक के थ्रू अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेंगे काफी सारे डिस्काउंट। तो इसमें करना क्या होता है, आपको सिर्फ डाउनलोड करने के बाद आप बस पूरा गो थ्रू कर लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। इसका कैटलॉग बहुत ही ज्यादा वास्ट है एंड बहुत बड़ा है, तो उस कैटलॉग में से आप कोई भी प्रोडक्ट पसंद कर लीजिए। जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है या तो आप वो खुद शॉपिंग कर लीजिए, बहुत कम रेट में मिलेगा, या फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जब आप शेयर करेंगे तो आपको इसमें क्या करना होगा, एक मार्जिन ऐड करना होगा। सपोज कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उसमें 50 रुपए ऐड करके वो 150 रुपए का हो गया, वो 50 रुपए आपका मार्जिन है। इस तरह से मीशो वर्क करता है, इस तरह से आप अर्निंग करेंगे, 50 रुपीज आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपको कोई कुछ आपका कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगना होता है। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।